Now we are riding into scenic trail of Temghar. It's absolutely fabulous. Temghar MTB Challenge 2020. इस बार का जो route है, this route is little different from previous year. But एक अच्छा है, पूरा जो route है वो white stone से marking किया हुआ है. So it is very much visible to rider कि कहाँ से जाना है और कौन सा कोर्स लेना है ये ट्रेल पे. ये पैच पे आ गया, थोड़ा सा रफ हो जाता है जो कि साइकिल बहुत ही ज़्यादा अटकने के चांसेस है और यहाँ पे राइडर्स गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. द बेस्ट पार्ट इज लास्ट टाइम पूरा डस्टी ट्रेल था, इस बार कहीं पे भी ये ट्रैक पे मुझे अभी तक तो डस्ट एनकाउंटर नहीं हुए. हर कॉर्नर पे आपको एक अनडिस्कवर नेचर मिलेगा. इट इज़ वन काइंड ऑफ नो प्लास्टिक जोन. ब्यूटिफुल लेक व्यू. बहुत ही ज़्यादा विंडी क्लाइमेट है और द विंड इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इट्स डायरेक्टली हेडविंड्स है. ड्रैग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. सो आई एम श्योर एक्चुअल रेस डे में राइडर को इसका थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, इनके स्पीड के ऊपर अफेक्ट होने वाला है. एंड व्हाट आई पर्सनली एक्सपीरियंसिंग, जहाँ पे भी लूज सैंड है, टायर थोड़ा स्लीप हो रहा है, मिट्टी में अटक रहा है. और अगर आपका हैंडलिंग पोजीशन सही नहीं है और आपका टायर अगर मुड़ गया आगे से, सो इट इज़ श्योर शॉट फॉल होना है. बट जहाँ पे भी ड्राई सैंड है वहाँ पे अच्छा स्पीड पकड़ लेता है साइकिल. और इसका एरियल शॉट तो बनता ही है, मुझे लग रहा है ये प्लेस का. तो अभी आपने देखे बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक एरियल शॉट्स. इससे आपको पता चला ही होगा टेमघर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीनिक नेचर प्लेस, जहाँ पे आप आके कैंपिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो. और जो वेदर है यहाँ का, गाइस ऑसम, सिंपली ऑसम. आई एम जस्ट लविंग इट, दिस ट्रेल. ओहो, दिस इज समथिंग वेरी टेक्निकल रूट. ये रोड है एक्चुअल. व्हाट द हेल, कैसे चलेगा यहाँ पे कोई प्रोफेशनल लोग चलाते अपुन जरा. अरे सटक जाएगा ये. जितना भी ट्रेल मैंने चलाया उसमें से ये पैच बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और कोई भी नॉर्मल राइडर ये पैच क्रॉस नहीं कर सकता है अनलेस अंटिल यू हैव सम प्रोफेशनल ट्रेनिंग. यहाँ पे तो सिंपली ड्रॉप है, यहाँ से रोल ओवर काइंड ऑफ ड्रॉप. इट्स लाइक अ ड्रॉप. ये तो डाउन हिल जैसा ही ड्रॉप है. क्या क्यों? अरे सीट ऊपर है यार. अरे मत जा भाई, तू रुक जा, मैं पहले जाता हूँ. अद्वैत रहने दे. दिस इज डैम बैक वाटर एंड दिस ट्रेल इज जस्ट असाइड दैट बैक वाटर. वी आर डूइंग ट्रेल रेखी.
बट इस बार का ट्रेल बहुत अच्छा है कंपेयर टू लास्ट टाइम. पूरा लूज सैंड था यार, पूरा तेरा पैर अंदर चला जाएगा हाफ इतना ऐसा. How was the course? Drop का tension आ रहा है. लूज मिट्टी है. हाँ. संभालना पड़ेगा. Exactly. Now I am feeling bit exhausted. Now we are connected to main road, जहाँ से left U-turn मारना है and back to finishing point. वाह, ट्री का शैडो. हाँ, अच्छा लग रहा है. काफ़ी देर बाद ऐसे शैडो मिली है. हाँ, अगर आप सुन पाओ तो बर्ड की आवाज़ क्लियर कट सुनाई दे रही है. द साउंड ऑफ बर्ड्स. दो द ट्रैक इज़ डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर. ज़्यादा डस्ट और लूज ग्रेवल नहीं है बट कोर्स इज स्टिल टफ एंड इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू कम्प्लीट. एंड एंड में तो आपकी लग जाती है. एग्जैक्टली आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हो. टूवर्ड्स ट्रैक एंडिंग इतने सारे इंक्लाइंस है, एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाता है. आफ्टर सो मैनी इंक्लाइंस नाउ आई एम एंजॉइंग लिटिल स्लोप, और वो स्लोप भी मुझे बहुत हैप्पी करके जा रहा है. ओ जस्ट लाइक गुड ब्रीथ. ओ और मेरे साइट में कैंप साइट आ रही है, मेरे व्यू पॉइंट में कैंप साइट आ रही है सामने. सो आई एम टेकिंग बिग रिलीफ कि हमारा ट्रेल का जो भी रेकी था वो ख़त्म हो गया. रेकी इतना हार्ड है तो एक्चुअल रेस में जो चार लूप है वो कितने हार्ड होने वाले हैं गाइस, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता. जो टफ चैम्पियन है वही ये सब जीत पाएगा, और जिसने भी प्रैक्टिस किया है ये ट्रेल पे चलाने की. अदरवाइज नो स्कोप फॉर बिगिनर्स, न्यू कमर्स, फर्स्ट टाइम राइडर्स. सो इसी के साथ कैंप हाइड आउट ट्रेल खत्म होता है. सो नाउ इज द लंच टाइम. ओके, पनीर, दाल राइस, रसगुल्ला, रोटी, सम फ्राइड चिलीज. वाओ, विद सैलेड समथिंग, बीट फ्रूट एंड टोमेटोज आर देयर. नाइस, वेरी नाइस एंड क्लीन फूड अरेंजमेंट्स बाय कैंप हाइड आउट. स्पेशल मेन्यू, स्वीट स्पेशल मेन्यू फॉर रसगुल्ला बिफोर द रेस. ओह, लोगों को सुला देंगे आप तो मीठा के लगे बर्न करने वाले बहुत सारा, तो क्या प्रॉब्लम है.